नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ यामाहा R15 V3, जिसका मुझे रिव्यू बहुत टाइम से मेरा पेंडिंग था। और दोस्तों आज इस वीडियो में कंप्लीट आपको मैं रिव्यू दे दूंगा V3 का, कि V3 चलने में कैसी है और क्या क्या ये बाइक, इसकी अभी प्राइसिंग क्या है, सब कुछ मैं बात करेंगे चलने में कैसी, मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों एक शुरुआत कर लेते हैं ओवरऑल लुक से। तो डेफिनेटली दोस्तों ये यामाहा R15 है ना, अपने लुक्स के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है, क्योंकि इसकी जो लुक्स है ना, एक 150cc या फिर इसे बहुत ही हाई लेवल की गाड़ी लगती है इसके लुक से। क्योंकि जो है ना कुछ कुछ पार्ट्स इसके ऐसे, जैसे ये पार्ट इसका सेक्शन, तो ये जो है ना इसको कम्प्लीटली डिफरेंट कर देता है, कि ये यहाँ नहीं बताता है कि ये 150cc गाड़ी। इट सीम्स की दैट इट्स अ 400-600cc मोटर फिर फ्रॉम इट्स लुक्स। तो दोस्तों लुक्स की ये बात थी कि मुझे तो बहुत पसंद है और ऑब्वियसली सबको पसंद आएंगे। अब एक बात बात कर लेते हैं कि यार लुक कैसा है फ्रंट से, प्रोफाइल वगैरह की कैसी कहेगा। तो दोस्तों फ्रंट में आप देखोगे ना, तो इस तरह का आपको वाइजर इसमें इंटीग्रेटर मिलता है, लेकिन आप उसको अगेन यहाँ पर कुछ माउंट दे रखें तो आप उसको और फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हो। और बात कर लेते हैं टायर की, जो टायर इसमें 180/17 का ट्यूबलेस मिल जाएगा आपको, और जो रिम है ना वो भी ब्लू कलर की, एस इसका जो कलर है ना गाड़ी का उससे वो मैच करता है। और फ्रंट में आपको ABS मिलता है। ऐसे तो इसमें ना ड्यूअल ABS अवेलेबल है, अभी ये वाला वर्जन भी ड्यूअल ABS में खड़ा हुआ है। इसमें जो आगे डार्क आते हैं उसमें भी सारे स्टैंडर्ड ड्यूअल ABS कर दिया है। और दोस्तों ये जो है ना एक्सेसरी है इसका, ये क्रैश गार्ड है, जैसे कि बाइक बाय चांस गिरती है तो ये प्रोटेक्ट कर लेगा आपकी फेयरिंग, जो है ना डैमेज नहीं होगा वो। यहां से देखिए ये जो है ना एयर डैम है, यहां से एयर पास होकर यहां से निकल जाएगी, यहां पे ऐसी जाली भी बनाई हुई है। बाकी सब दोस्तों बात बहुत नीट है, यहां पर इंडिकेटर है छोटा सा एकदम, बाकी ये कि घिनने में सब थोड़ा सा है ना उस हिसाब से इसको चलाना पड़ेगा। बाकी जो है ना कट्स और शार्प एजेस जो है ना इस बाइक के, वो काफी सही लगते हैं। जैसे कि देखो ये इतना बढ़िया एडम इसमें बना रखा है। अब पीछे जो है ना ग्रैब बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, लेकिन हाँ आप यहाँ पर हाथ घुसा के बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। पीछे से भी दोस्तों देखोगे ना तो काफी शार्प, मैं एक बार आपको चला देता हूं। पीछे से भी दोस्तों ना काफी शार्प लुक आता है इसका, जो तीनों फुल LED टेल लैंप है यहाँ पर भी। और ये देखिए ये जो है ना इसका, आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं लेकिन वो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप प्लेट वगैरह माउंट कर लीजिए, ये रियर का आपका दिखेगा है। और अब बात कर लेते हैं पीछे के टायर की, और पीछे प्रोफाइल भी आगे काफी सही है, मड फ्लैप दे रखा है जो कि काफी सॉलिड है। इसकी प्रोफाइल है 170/70R17 जो कि काफी वाइड सेक्शन का है अगेन। और एग्जॉस्ट वगैरह देखेंगे ना सब कुछ कंपोज है, यहाँ पर साड़ी गार्ड दे रखा है और सारे ये सब है ना एकदम प्रॉपर पोजिशन में। अब मेन जो R15 का रहता है ना कि राइडिंग के लिए बाइक, जैसे कि कम्यूटी सीटिंग के हिसाब से ज्यादा उसको वो नहीं करा है। अब फ्रंट में जो है ना ये सब कुछ LED वगैरह, तो ज्यादातर आपको है ना LED दिखेगी फ्रंट और रियर में, एस इंडिकेटर्स को छोड़ के। एक बार आपको क्लस्टर दिखा देता हूँ इसका, तो क्लस्टर में आप देखोगे ना तो हाई बॉडी करके आता है और काफी नीट क्लस्टर है, बड़ा साइज भी इसका काफी बड़ा है, 6 गियर तक आते हैं इसमें यहाँ में। ये बहुत बड़ा इसका USP और बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या दिखाता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रिप दिखा देगा यहाँ पर, और ये टाइम बता रहा है, और लीटर पर 100 किलोमीटर का एवरेज बता रहा है। यहाँ पर कूलेंट टेम्परेचर, चेक इंजन लाइट, ABS, और वहां पर हाई बीम की लाइट और इंडिकेटर की लाइट है, जैसे इंडिकेटर चला दे ये आपको डिस्प्ले में शो होता है। और ये जो है ना ये वही वाले हैं क्लिप आउट वाले हैंडल बार से, जो कि एकदम स्पोर्टी राइडनेस को इम्प्रूव कर देता है। क्लच वगैरह भी इसका स्लीपर क्लच है, बहुत लाइट है, बहुत लाइट क्लच है, ये देखो बहुत लाइट क्लच है इसका। शिफ्ट में आपको बता दिया 6 शिफ्ट है इसमें। और अब एक बार इसको चला के देख लेते कि चलने में कैसी है, तो ड्राइविंग आप देखिएगा दोस्तों अब एक बार एक्सीलरेशन वगैरह देख लेते हैं कैसा है बस में।
व्यवस्थित बनेगा ना, स्कूल के अंदर मत रोक तो वहाँ बस यही। अब मैंने आपको पूरा बता दिया कि यार R15 चलने में कैसी, तो अगेन मैं आप एक मेरा वो बताऊँ ना कि यार, तो डेफिनेटली ये गाड़ी भर पाएंगे और अगेन चलने करने में ना बहुत अच्छी है ये, जैसे कि इस एक्सीलरेशन उसका बहुत रिफाइंड है और एग्जॉस्ट एक बार सुन लेते हैं इसका। अब देखिए एक नॉर्मल मैं आपको रेगुलर एग्जॉस्ट नॉइज सुना रहा हूँ, ये तो एग्जॉस्ट नॉइज है इसका बिल्कुल ही काफी सही लगता है आपको, इसमें अगेन कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा एक्सीलरेशन मुझे इसका लगता है। और दोस्तों अभी इसकी ऑन रोड प्राइसिंग की लगभग बात करें तो ऑन रोड है ये करीबन 180 तक की है, वैसे एग्जैक्ट प्राइसेस में आप अपनी सिटी में जाकर देख लीजिएगा, बाकी अगेन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, चलने में बहुत अच्छी है, स्मूथ है, इसका रिफाइनमेंट लेवल है ना इसका वो है ना काफी सही है इसका, जो अगेन जो एक टॉप लेवल का रिफाइनमेंट है इसका। और हैंडलिंग तो दोस्तों ना यामा की काफी सही है, इसकी जो पोजीशन है ना वो ओवरऑल जो रेसिंग में या फिर कहूं मैं कि इसको हार्ड एक्सीलरेशन के टाइम में ना आपको बहुत हेल्प करेगी इसकी अग्रेसिव पोजीशन। तो दोस्तों ये था वीडियो आजकल यामा R15 पर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।